नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं एक प्रॉन फिश का रेसिपी बनाऊंगी यहाँ पर, जिसे कि बंगाली में कहा जाता है चिंगड़ी मछली झाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल ऐड किया है। उसी में मैं प्रॉन फिश को, जो मैंने पहले से मैरिनेट किया हुआ था हल्दी और नमक से, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करके हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉन फिश को फ्राई नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम प्रॉन फिश को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसी ऑयल में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 इलायची और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा देके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इसका एक अच्छा सा एरोमा आने लगेगा, तभी हम इसमें एक बड़ा साइज का प्याज मैंने यहाँ पर चॉप्ड करके रखा है, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। करके इस प्याज को अच्छे से भूनना है, जब तक कि ये प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मैं इसमें हरी मिर्च, चॉप्ड किए हुए हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि ये थोड़े सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें कट किए हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप आलू पसंद नहीं करते हो तो आप नहीं भी दे सकते हो, लेकिन आलू देने से इसका टेक्सचर जो है वो बढ़िया हो जाता है और ये खाने में भी बढ़िया लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर आलू ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा मैंने यहाँ आलू कट नहीं किए हैं, बिल्कुल पतले पतले आलू मैंने यहाँ पर कट करके ऐड कर लिए हैं। अब मैं आलू और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी, 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट बाद में अब इसमें चॉप्ड किए हुए टमाटर, मैंने यहाँ पर एक टमाटर, बड़ा साइज़ का एक टमाटर यूज़ कर रही हूँ, उसे मैंने चॉप्ड कर लिया है अच्छे तरीके से। उसको अब टमाटर में देख के अच्छे से 3 मिनट के लिए इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, जिससे कि टमाटर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट तक हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, कम मसालों में मैंने यहाँ बनाया है। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून में ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा शक्कर। शक्कर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हो, लेकिन शक्कर देने से जो है इसमें रंग में बहुत फ़र्क आता है, थोड़ा सा ये दिखने में बहुत अच्छा हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है टेस्ट। आप अगर शक्कर नहीं पसंद करते हो तो आप नहीं भी दे सकते हो। अब हम मसालों के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम 6 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के इसी तरीके से लो फ्लेम में छोड़ देंगे, जिससे कि ये जो सारे जो वेजिटेबल्स है ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसलिए हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा के बिल्कुल छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और हल्दी पाउडर यूज़ किया है, मुझे यहाँ पर थोड़ा हल्दी पाउडर कम लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर और थोड़ा यूज़ कर लिया है। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें करीबन 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर अब 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद अब हमें 7 से 9 मिनट के लिए इसे ढक के पकाना होगा लो फ्लेम में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।
देखिए यहाँ पर जो है 9 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो प्रॉन जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था मैं उसमें अब ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद लो फ्लेम में ही हमको 2 मिनट के लिए इसे पकाना होगा। दो मिनट के लिए मैं अब इसे ढक दूंगी, ढक के मैं इसे पका लूंगी थोड़ा सा। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ करके अब मैं इसे एक अलग से बोल में निकाल लूंगी। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैं इसे अलग से एक बोल में निकाल लूंगी। आज का ये वीडियो बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।